वेलकम टू विंकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। विंकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एमपीपीएससी की जो वैकेंसी आई थी सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, उसका फर्स्ट पेपर सामान्य ज्ञान, जिसका टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। इस टॉपिक में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है नर्मदा नदी को। किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है? इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी, छिप्रा नदी का उद्गम हुआ है यहां से। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनलिका अपरदन करती है? अवनलिका अपरदन यह किया जाता है चंबल नदी के द्वारा। कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है? स्वर्ण नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचाई जलप्रपात स्थित है बीहड़ नदी पर। चूलिया प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? चुगलिया प्रपात का निर्माण करती है चंबल नदी। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? मध्य प्रदेश में सिंचाई अगर की जाती है तो वो की जाती है कुएं एवं नलकूप के द्वारा, प्रमुख रूप से कुएं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? यह करती है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारण करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल शेयर करने के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9752730392।